YouTube में एजुकेशनल चैनल्स का सच क्या है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। छोटी सी स्टोरी सुन लो पहले। आज से 7-8 महीने पहले या उससे ज़्यादा का टाइम भी हो सकता है, मुझे एक चैनल की तरफ से ऑफ़र आता है। ऑफ़र में क्या कहा जाता है कि पहले मुझे चैनल का नाम बताया जाता है कि मैं इस चैनल से बोल रहा हूँ और इस चैनल का ओनर बोल रहा हूँ। हालांकि उस वक्त मुझे चैनल का नाम ज़्यादा पता नहीं था, इतना सुना नहीं था चैनल का नाम मैंने। तो वो कहते हैं कि आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो वो कहते हैं एक बार मेरे बारे में सर्च करो, फिर दोबारा से मैं कॉल करूँगा आपको। तो मैं देखता हूँ, तो यार वो तो बहुत बड़ा चैनल था और वो जो आदमी था वो खुद में भी बहुत बड़ा आदमी था। ये सब देखने के बाद आधे घंटे के बाद मुझे फिर से कॉल आती है और वो कहते हैं कि आप क्या पढ़ा सकते हो हमारे चैनल पर, हम कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे कोलैबोरेशन वगैरह। उन्होंने कहा कि आप क्या पढ़ा सकते हो अच्छे से। मैंने कहा मैं SSC JEE का अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, SSC JEE का नहीं पढ़ाना है, आपने GATE का पढ़ाना है। मैंने कहा गेट का मैं अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस पर खुद भी, तो वैसे क्यों खेलना बच्चों के साथ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप SSC JEE का लेवल है उससे थोड़ा सा लेवल उठा के आप गेट का पढ़ाना स्टार्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है, फिर कोई बात नहीं, पढ़ा लूँगा। वैसे बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि बताओ पैसे कितने लोगे, ऐसा कहा। मैंने कहा कि पैसे आप देख लो, आपको बताओगे, आप चैनल वगैरह ऐसे करते हो, अगर आप करते हो सब कुछ कोलेब्रेशन वगैरह, आपको बेटर बताओगे, आप मुझे बता दो। उन्होंने कहा कि आप मंथली कितना कमाते हो अभी यूट्यूब से। मैंने कहा कि मैं इतना कमाता हूँ। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र पता कितना दिया, जितना मैं 5 महीने में कमाता ना यूट्यूब से, या 5 महीने से ज़्यादा टाइम लगता, उतना वो मुझे 1 मंथ में दे रहे थे, 1 महीने में दे रहे थे। मैं तो खुश कि भाई अच्छा है कि इतने पैसे मिल रहे हैं, 1 महीने में कमा रहा हूँ, वहाँ पे तो जो यहाँ पे 4-5 महीने में कमा रहा हूँ उस चैनल के थ्रू 1 महीने में कमा दूंगा। फिर बाद में टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या आती हैं कि इस महीने में इतनी वीडियोस चाहिए ही चाहिए, इतनी बार लाइव आना ही आना है, जो भी है ये सब कुछ होता है और फ़ोन कट हो जाता है और मेरा चैनल बना दिया जाता है वहाँ पर, उनका जो भी एप्लीकेशन वगैरह है वहाँ पे मेरा चैनल बनाते जाते हैं। फिर उस वक्त उस टाइम पीरियड पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था यूट्यूब पर, या ऐसा कह सकते हैं ना, जैसे गुरु होते हैं ना कोई, तो वो मेरा यूट्यूब का गुरु था। तो मैं उनसे बात की, मैंने कहा SSC चैनल की तरफ से ऑफर आया है, तो ये सब क्या है। कहते हैं कि उनका नंबर मैंने ही, जो आपका नंबर है वो उनको मैंने ही दिया था, मैंने ही सजेस्ट किया था, तभी उन्होंने कॉल किया आपको। मैंने कहा ठीक है, तो क्या करना चाहिए। तो वो उस चैनल ने कहा, जिसको मैं गुरु मानता था यूट्यूब में, उसने मुझे कहा कि आपको इनकी तरफ नहीं जाना है, ये वैसे ही करते हैं, जितने भी यूट्यूब में चैनल हैं जो थोड़ा ग्रो कर रहे होते हैं ये उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनको खरीद लेते हैं और अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करवाते हैं, और ये आगे क्या करते हैं, ये अपनी वीडियोस को बेचते हैं, मतलब फ्री में नहीं देते। मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। उन्होंने मुझे बताया कि ये क्या करते हैं, ये कुछ पेड कोर्सेज लाते हैं, आपकी वीडियोस लेंगे, आपको तो पैसे देंगे, बट आगे ये बच्चों को फ्री में वीडियोस नहीं देंगे, उनसे पैसे लेंगे। तो आपको इनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी फ्री में काम कर रहा हूँ, आप भी फ्री में काम कर रहे हो, तो फ्री में लगे रहो, इस तरह के बड़े ऑफर आएंगे आपको, तो अपने किसी की तरफ नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उसने अपने बारे में बताया, मुझे गुरु ने अपने बारे में बताया, जो मेरा गुरु है यूट्यूब में, उसने मुझे अपने बारे में बताया था कि मुझे भी कई तरह के ऑफर्स आए थे, ऐसे वैसे ऑफर आए थे, तो मैं भी इनकी तरफ नहीं गया। फिर जो वो मेरा गुरु था ना यूट्यूब में, उसने खुद भी वीडियो बनाकर इनके जो कहते हैं ना आलोचना, क्रिटिसाइज वगैरह किया था इस चैनल के बारे में, उन्होंने भी वो काम किया। लेकिन उसके 1 मंथ के बाद, 1 महीने के बाद मुझे पता लगता है कि जो मेरा यूट्यूब में गुरु था वो खुद ही बिक गया। उसने अपना पूरा का पूरा चैनल ही बेच दिया, पूरा का पूरा चैनल ही उस दूसरे चैनल को बेच दिया था। उसके बाद से मैंने उस चैनल से कभी बात नहीं की और उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। हो सकता है कि आपको समझ आ जाए मैं किस चैनल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, बट आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब में एजुकेशनल वीडियोज़ का सच क्या है, एजुकेशनल चैनल्स का सच क्या है। इसी तरह से और भी आपने कई बड़े बड़े चैनल्स देखे होंगे जो इस तरह से बिक जाते हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से यूट्यूब में ऐसे चैनल हैं जो बिक गए हैं। देखना, बिकने वाले चैनल कई सारे होंगे, लेकिन वो खरीदने वाला चैनल जो है ना वो एक ही है। तो आपने मुझे बताना है, कई सारे जेन्युइन चैनल्स भी हैं, अच्छे चैनल्स भी हैं जो यूट्यूब में मेहनत कर। यहाँ पर मैं उस चैनल को गलत नहीं मान रहा जो कि दूसरे चैनल्स को खरीद रहा है, क्योंकि उनका स्टार्टिंग से यही काम रहा है कि वो पेड कोर्सेज ला रहे हैं। तो उन्होंने कभी किसी को कहा नहीं था कि हम आपको फ्री पढ़ाएंगे, वो स्टार्टिंग से पेड कोर्सेज ला रहे थे, उनका काम है रिक्रूटमेंट करना, वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं गलत उन चैनल्स को बोल रहा हूँ जो बिक रहे हैं, जैसे जिन्होंने अपना चैनल ही बेच दिया, क्योंकि कई सारे लोगों को उन पर ट्रस्ट था, उनकी वीडियोज़ देखा करते थे, और 2-3 महीने तक वो अचानक से गायब हो गए। क्यों गायब हो गए, क्योंकि चैनल बेच दिया। या फिर कुछ बड़े बड़े चैनल ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से फ्री में पढ़ा रहे थे, फ्री का नाम ले लेकर उन्होंने बच्चों को अपने पास लाया, और जैसे ही बच्चे ज़्यादा आ गए अब उन्होंने भी पेड कोर्स स्टार्ट कर दिए। मतलब पहले तो खुद बिक गए और साथ ही साथ अब जो बाकी जो बच्चे हैं उनको पेड कोर्सेज के लिए कहते हैं कि हमसे पेड पैसे दो और फिर पढ़ना स्टार्ट करो। फ्री में अभी भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस लेवल से नहीं पढ़ा रहे जैसा कि पहले पढ़ाया करते थे। और कुछ चैनल ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि दोनों तरफ काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों तरफ काम करना गलत है, कुछ गलत नहीं है, वहाँ पर भी काम कर सकते हो, बट आप जिस चैनल पर पहले काम कर रहे थे यूट्यूब के, जिसकी हेल्प से इतने सारे स्टूडेंट्स आपके कॉन्टैक्ट में आए हैं,
उनको पहले जैसा टाइम दे रहे थे वैसा ही टाइम अभी भी दो, उनके लिए पहले जैसा कंटेंट ला रहे थे वैसा ही कंटेंट अभी भी लाओ। ज़्यादा पैसे के लिए आप किसी दूसरे चैनल पर ज़्यादा फोकस मत करो, जो आपका अपना चैनल था, जो आपके अपने सब्सक्राइबर थे, उनके बारे में भी आपको सोचना। मुझे भी पहले आपको मैंने बताया कितने सारे पैसे ऑफ़र हुए थे, और भी कई सारे ऑफ़र्स आते रहते हैं मुझे अभी भी, लेकिन वो ज़्यादा बड़े ऑफ़र नहीं है। बट जो पहले ऑफ़र आया था 7-8 महीने पहले, वो बहुत बड़ा था। मैं चाहता तो मैं भी वो काम कर सकता था, और मेरे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं थे उस टाइम पीरियड पर, तो मैं अगर कर भी दे तो कोई मुझे कुछ बोलता नहीं वहाँ पर। बट फिर भी मेरा ये था कि जो मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइबर हैं, मैं उन्हीं के लिए काम करूँगा, और अभी तक उन्हीं के लिए काम करता आया हूँ। और अब हमने लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। एक दो चैनल से मुझे कमेंट कि आप लाइव क्लासेस पढ़ा रहे हो, क्या बेनिफिट है उसका, आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, आप ऐसे ही पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, आप ये काम मत करो। बट मैं ये काम करता रहूँगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्टेड रहेंगे। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, हमारा चैनल जो है वो बिकने वाला नहीं है, बिल्कुल हमारा चैनल बिकेगा नहीं।